दोस्तों, मेरा नाम है हसन साबर और आप देख रहे हैं HS ब्लॉग। सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, साथ में ये बहुत ही ज़बरदस्त फूल निकले हुए हैं। और मेन बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जो मज़ीद मज़े की वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह आप उससे अपडेट रहेंगे। और चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। यार काफी प्यारी धूप निकली हुई है और जबरदस्त मौसम बना हुआ है। आज तो काफी अरसे बाद मैंने इंग्लैंड में ऐसा मौसम देखा है, तो अभी काफी अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है और साथ में खूबसूरत किस्म की हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। इसके बाद कुछ लोगों ने शिकवा किया था कि रमजान में वीडियोज नहीं आ रही, तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि रमजान होता है और खाने की ज़्यादातर मेरी वीडियोस होती हैं, तो कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोस ना बनाएं जिससे फिर लोगों को रोज़े में भी लोग देखते हैं वीडियोस। तो फिर मैं चाह रहा था कि कम से कम वीडियोस डालूं, और अभी इंशाल्लाह रोज़ों के बाद प्रॉपर जो सिस्टम था हफ्ते में 3-4 वीडियोज़ इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगा अपलोड करने के लिए। और बिजी लाइफ है इंग्लैंड में, एक तो ये भी प्रॉब्लम है और दूसरा रमज़ान था, इस वजह से मैंने वीडियोज़ कम डाली थी। अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जैसे पहले सीक्वेंस में वीडियोस डालता था वैसे ही वीडियोस डाल। दोस्तों रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है, तो आज ऐलान होगा कि कल ईद होती है या फिर नहीं होती। अगर नहीं होती तो सैटरडे को ईद है। और मैंने यार ईद के लिए कोई जूते वगैरह लेने थे, तो मैं चला गया टीके मैक्स। और पहले मैं गया JD, वहाँ बहुत रश था, तो टीके मैक्स में इतना रश नहीं था। ये मुझे दो पसंद आए थे, तो अभी आप कॉमेंट करके बताएँ कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। मैं अभी जाऊंगा अंदर और आपको व्लॉगिंग के हवाले से जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ड्रोन्स, उसके बाद GoPro कैमरे सारे मैं दिखाता हूँ। तो मैंने भी टारगेट सेट किया हुआ है, इंशाल्लाह जब 5000 सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह GoPro लूँगा। और सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो कैमरे हैं, और उसके साथ उधर ड्रोन वगैरह भी पड़े हुए थे और ये स्टेबलाइजर भी पड़े हुए थे, GoPro थे, एवरीथिंग वहाँ मौजूद थी। GoPro काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले थे, तो साथ में मैंने लैपटॉप भी चेकआउट किए। अगर कैमरा लूँ तो फिर एडिटिंग लैपटॉप पे ही करनी पड़ेगी, तो दो किस्म के लैपटॉप थे। मैं प्रेफर करता हूँ कि जो एप्पल के होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। अभी मेन चीज़ आ गई GoPro, काफ़ी उम्दा क्वालिटी वाले GoPro थे, जो मुझे पसंद है वो भी यहाँ था। और इसके साथ ओस्मो का ये आ गया था स्टेबलाइज़र, फिर DJI के ड्रोन्स वगैरह थे, और उसके बाद कैमरे थे, और साथ में थे ये ऑर्डिनरी गिम्बल भी उधर पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो तकरीबन सारी जो वैरायटी आपको चाहिए होती है व्लॉगिंग के लिए वो सब इधर मौजूद। इसके बाद दूसरी तरफ था, इधर गेमिंग का प्रॉपर सेटअप था, और गेमिंग के इधर कीबोर्ड और डिफरेंट जो एक्सेसरीज लोग यूज़ करते हैं वो सारी यहाँ मौजूद थी। जैसे ये देखें सामने गेमिंग के हवाले से वो चेयर्स और काफ़ी प्रॉपर सेटअप, हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वापस आया हूँ तो मैंने वहाँ देखे GoPro, और उसके बाद वहाँ थे कैमरे भी थे, GoPro थे, ड्रोन्स वगैरह भी थे। मेरे पास एक ड्रोन था तो वो भी पाकिस्तान है। तो मैं अभी टारगेट सेट किया, जब इंशाल्लाह 5000 सब्सक्राइबर होंगे फिर GoPro लूँगा। और अभी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है स्टेबलाइज़र, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में स्टेबलाइज़र लूँगा और आपको भी दिखाऊँगा कि सारे गैजेट्स आपने देखे। हर व्लॉगर का ये ड्रीम होता है कि उसके पास ये सारी चीज़ें हों। और बहुत ज़्यादा रश था, लोग ईद की शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, और मुझे यहाँ से बाहर निकलने में तकरीबन आधा घंटा लग गया था। और इधर आगे आके पता चला कि इधर एक्सीडेंट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी रश था। और ये गाड़ी और दूसरी ये वाली गाड़ी थी BMW, बिल्कुल न्यू थी, इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, तो ये काफ़ी देर से वहाँ खड़े थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था। और इसके साथ हम निकल गए फिर नफीस, क्योंकि हमने एक अफ्तारी पर जाना था, तो हम पहले नफीस गए और यहाँ के
समोसे हमने लिए, काफ़ी ज़बरदस्त समोसे थे। तो सही पाकिस्तान वाली जो नफीस है सेम वैसे ही थी। और इसके बाद हम आ गए अफ्तारी पे, तो अभी आपको दिखाते हैं अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि ये रमज़ान के आखिरी रोज़ों में से रोज़े थे, तो जिसकी वजह से हमारी ये अफ्तारी थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त खाना था, रियली एंजॉय किया। आए हैं चांद ढूंढे, चांद मिले और कर फिर ईद वगैरह देखें, लेकिन इधर बाहर तो कोई दूर दूर से भी चांद नजर नहीं आ रहा। मौसम नजर आ रहा है आपको? नहीं, चांद नहीं नजर आ रहा ना, तो मतलब कल ईद नहीं है, एक रोजा और रखना पड़ेगा। चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, वो देखो चांद है ना, ये क्या है? लाइट। और थैंक यू वेरी मच फॉर अफ्तारी, और इसके साथ साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। खुदा हाफिज़।